गाइस एंड वेलकम टू द बिना डिकोड्स। मैंने सोचा नहीं था ऐसा कभी कोई एपिसोड करूंगी, लेकिन जब आज मौका भी है, वारदात भी है और शूट करने का सिचुएशन भी है, तो मैंने सोचा कि आज ये मैं शूट करके आप लोगों को दिखा दूं। अब सब लोगों ने मुझसे पूछा कि यू नो हाउ आई यू नो टेक केयर ऑफ माय बेबी स्किन एंड व्हाट एग्जैक्टली आई डू। गोरा करने के लिए डेफिनेटली मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं ऐसे बिलीव करती हूँ दैट यू नो यू नीड टू लव योर स्किन कलर। सेकेंड थिंग इज स्किन गोरा या काला से कुछ नहीं होता, वो चमकना चाहिए और उससे एक अंदर से एक रेडियंस निकलना चाहिए और यू नो एंड दैट लुक्स ब्यूटिफुल। अभी हम लोग धूप में से घूमकर आए हैं। अगर मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यूएशन में डालूंगी तो आप लोग को पता होगा ऑलरेडी कि हम लोग अभी बीच से आए हैं घूम के, और अगर ये कंटिन्यूएशन में नहीं डाली तो आप ये देख लीजिए फुटेज कि अभी हम लोग बीच से आए हैं। बहुत धूप था और समुंदर के पानी में थोड़ा लोट पोटे और यू नो तो थोड़ा सा मिट्टी विट्टी भी लगा है, समुंदर का पानी भी स्किन को बर्न करता है, खारा पानी और दैट डायरेक्ट सनलाइट। तो उसके बाद घर आते ही एक सिंपल शावर लेके हम सब सो सकते थे, बट आई एम गोइंग दिस एक्स्ट्रा माइल टू यू नो मेक दिस उबतान नाउ एंड अप्लाई इट ऑन माय बेबी स्किन। वो ड्राई हो जाने के बाद उसको आराम से मलमल के मैं उसको निकाल के शावर दिला दूंगी। मोस्टली उबतान मैं लगवाती हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्चुअली बच्चे बहुत सुबह नहाते हैं, ऐसे थोड़ा सा यू नो हॉस्टल जैसा और स्ट्रिक्ट वार्डन जैसा मैंने एक रूल बनाया, 6 बजे से 8 बजे के बीच में नहा धो के ऑयल वॉयल मालिश होके एकदम बच्चे रेडी रहते हैं, और ये रूल करके मैं ही फंस गई एक्चुअली। अभी 6 बजते ही दोनों बच्चे करके उठ के एकदम बकबक भी करने लग जाते हैं। कभी कभी अभी हमारा लेट नाइट होता है तो मैं सोचती हूँ मैं सो जाऊंगी तो थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ, लेकिन मतलब लियाना तो उठ के मतलब एकदम बेड को ही पलटी कर दे सकती है, पर दिविशा उठ के एकदम खूब बकबक करती है। सो दैट इज आई जस्ट टोल्ड दैट स्टोरी सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव गॉटन यूज टू वेकिंग अप एट 6 o'clock। सो बाई 7:30 मेरे बच्चे एकदम उबतन लगाए या सिर्फ कभी तेल लगाए सब कुछ करके रेडी हो जाते हैं। तो अब आज मैं बिना नहला के लेकर गई थी बिकॉज आई न्यू वी विल गो टू द बीच, वी विल डू सम मस्ती और उसके बाद नहलाएंगे। तो फ्रेश मैं उबतन अभी बना रही हूँ आप लोगों के सामने, सो आई एम शोइंग इट टू यू। तो इस उबतन के लिए हमने लिया है एक छोटा सा 1 कटोरी मलाई, खट्टा दही, बेसन, सैफरन, केसर, मसूर का दाल भिगोया हुआ, कच्चा हल्दी, नारियल का पानी। तो शुरू करती हूँ, इस सबको हम लोग एक ब्लेंडर में डाल देंगे। So I don't want to waste the malai. इसमें जाएगा दही और ये बेसन। बेसन मुझे और थोड़ा सा चाहिए होगा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा है एक जन के हिसाब से। और ये है केसर। इन सबको मैं पेस्ट करूंगी विद कोकोनट वाटर। तो ये पेस्ट हो गया है और ये रेडी है, बेचैन हो रही है ये पेस्ट देख के ही। पी लो। शी नोज दिस इज एन उबटन, सो लेट्स गो एंड शुरू कर देते हैं उबटन मालिश। आप देख रहे हैं लियाना थोड़ा थोड़ा खा भी रहे हैं। मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जो एडिबल ना हो। कोकोनट वाटर डाला, मैंने रोज वाटर तक नहीं डाला है, तो इन केस अगर आपकी बेबी थोड़ा सा खा भी ले नो प्रॉब्लम, मतलब डरने की जरूरत नहीं, अरे खा ले रही है। क्योंकि मुझे पता है कि इस साल के बच्चे
बहुत ही वो नो सब कुछ मुंह में डालते हैं, सब कुछ जो दो सब मुंह में डाल लेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं। ऐसा एक उपकरण बनाइए उम्मीद जो कि एडिबल हो, बच्चे थोड़ा सा मुंह में डालते डालते उपकरण मालिश हो जाए। और थोड़ा सा चाहिए या कुटिया घुटने पे मैं लगाती हूँ क्योंकि लियाना जो अपने घुटने के बल गिरती है ब्लैक ब्लैक घुटना करके बैठी है। तीनों सब छोड़ के अभी तुमको ये काटा टाइप का कुछ मिला है मुंह में डालने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बेबी का कोई भी पार्ट थोड़ा सा डिसकलरेशन है और यू नो बड़े होके हम सब कुछ सब लोग इससे बहुत परेशान होते हैं, तो अगर एकदम बचपन में हम उसका हल कर दें तो आई डोंट यू थिंक इट वुड बी बेटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो ओवरऑल फेयरनेस, लेकिन जो डिसकलरेशन होता है कुछ कुछ पार्ट थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश हो रहा है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। लियाना बहुत इंजॉय करती है ये उबटन मालिश, तेल मालिश उससे नहीं होगा, करने जाओ तो उठ के भाग जाती है बाबा। क्योंकि हाँ इस उम्र के बच्चे ना गंदगी करना बहुत पसंद करते हैं। आपने देखा इतनी खुशी से वो बाहर जाके गंदगी करके आई बीच पे। लोग मुझे बड़े मतलब बड़ी लड़कियां पूछते हैं गर्दन के पास मेरा थोड़ा सा यू नो डार्क सा है क्या करूं मैं उसका, बचपन से ही करते रहो। आप लोगों का क्या और चाहिए? और उपटन चाहिए, मुझे चाहिए और उपटन, और उपटन क्या चाहिए? ये चलो थोड़ा सा और दाल में लगा लो मेरा बेबी का उपटन, मेरा बेबी का उपटन। आशी मिला छोनी, फोन पकड़ा मेरा छोनी। ए जीप इसके मुंह पहुंचो तो जीप निकाल के खा लिया। ठीक है ऑलरेडी लिप की एरिया के पास थोड़ा सा ड्राई ड्राई ब्लैक ब्लैक होता है यू नो डिसकलरेशन, जैसा डिसकलरेशन मेरे फेस में है दिशा के भी फेस में थोड़ा सा वैसा डिसकलरेशन है ऐसा मुझे लगता है। तो लेकिन मैं तो वैसा होने नहीं दूंगी ना क्योंकि बड़े होके जब नियासिनामाइड लगाएंगे उससे पहले मम्मा कुछ तो लगा देगी ना जिससे वो दाग चला जाएगा। Why you show chojo? Sundari, है ना? सब बोलते सुंदरी।
अच्छा क्वालिटी की। कल मिलती हूँ, तब तक आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द बीना डिकोड्स।